अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुज़ैफ़ा फ्रॉम डी टेक ब्लॉगर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जो ऑन पेपर्स तो जो है आपको इतनी ख़ास नहीं लगेगी, लेकिन जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है वो बहुत ख़ास है। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास होते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं, फिर आईफोन्स आते हैं, दो तरह के फ़ोन्स हैं। अगर आप देखें तो एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं हमेशा जो है ऑन पेपर्स आईफोन से आगे ही रहे हैं। 6GB रैम, 128GB रोम, इसी तरह 8GB रैम, 16GB रैम ऑन पेपर्स जो है बहुत आगे रहे हैं। और अगर हम देखते हैं आईफोन को, तो आईफोन जो है लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं कि आईफोन लेना चाहिए, एंड्रॉयड के ऊपर आपको 30,000-30,000 में जो है 6GB रैम वाले मिल जाते हैं, 8GB रैम वाले मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग आईफोन को क्यों प्रेफर करते हैं कि इतना महंगा आईफोन लें हम जिसकी रैम और मेमोरी जो है वो कम हो। क्योंकि आप देखेंगे एक चीज़ होती है ऑप्टिमाइजेशन अगर होगी चीज़ की, मतलब जिस तरह से अगर ये आईफोन 12 जो है उसमें जो है 4GB रैम है, वो 4GB रैम जो है 60,000 के फ़ोन से जिसमें 8GB रैम हो या 16GB रैम हो या 12GB रैम हो, उससे जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस देता है। वो क्यों बेहतर परफॉर्मेंस देता है? क्योंकि इसकी जो रैम है वो ऑप्टिमाइज्ड होती है पूरे मोबाइल के साथ। ये ऑप्टिमाइजेशन जो है ये आईफोन को अलग करती है एंड्रॉयड फ़ोन से, जो कि ये सारे एक्सपीरियंस को जो है बहुत अच्छा करके दिखाती है। चलें, ये सब तो हम मोबाइल फ़ोन्स में काफ़ी अरसे से देखते आए हैं। जो मैं आज ये आपको दिखाने लगा हूँ वो है मैकबुक M1 एयर। ये वो पहली मैकबुक है जो M1 चिप के साथ आई थी, और इसमें आपको कोई फ़ैन नहीं मिलता। जिस तरह आपको मोबाइल फ़ोन्स के अंदर कोई पंखा नहीं मिलता, कोई फ़ैन नहीं मिलता, इसी तरह जो है आपको इसके अंदर भी कोई फ़ैन नहीं मिलेगा, कोई पंखा नहीं मिलेगा। जिसका मतलब है कि इसकी जो M1 चिप है वो टोटली जो है बॉडी पर डिपेंड करती है कूल करने के लिए, क्योंकि इसके जो है टाइटेनियम यूज़ हुआ हुआ है और इसका जो है नेचुरल हीटिंग प्रोसेस होगा उस तरह नहीं होगा, तो ये नेचुरली जो है अपने आप को कूल डाउन करेगी। जब भी आप जनरली कोई कंप्यूटर लेते हैं, कोई लैपटॉप लेते हैं, तो उसमें जो है आपको सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, जैसे प्रोसेसर अलग हो गया, ग्राफिक कार्ड अलग हो गया, इसी तरह रैम अलग हो गई, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैकबुक M1 एयर जो है इसमें एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है SoC टेक्नोलॉजी, जो कि मोबाइल फ़ोन्स में काफ़ी अरसे से आ रही है। मतलब सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से इसकी बैटरी काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है। और एप्पल क्लेम करता है कि इसकी बैटरी जो अप टू 15-18 आवर्स जो है ये चला सकता है। इसमें बैटरी जो है, बैटरी साइज़ जो है वो पिछली ही मैकबुक एयर वाला ही है, लेकिन नई चिप नए प्रोसेसर के साथ जो है वो एप्पल क्लेम कर रहा है कि वो आपको डबल परफॉर्मेंस देगी इसकी। इसी तरह से जैसे हम देखते हैं एप्पल की काफ़ी सारी ऑप्टिमाइज्ड ऐप्स हैं इसकी अपनी, तो अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा हमें जो है इसका बैटरी टाइमिंग मिल जाए। याद रहे SoC टेक्नोलॉजी के साथ है, सारा कुछ इसमें कंबाइंड है, और ये इतनी इंसेनली पावर डिलीवरी दे रहा है कि आप रिव्यूज़ देखें, लोगों को समझ नहीं आ रही वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे इतनी सी चीज़ इतनी ज़्यादा पावर कैसे डिलीवर कर सकती है। इसकी परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर करें तो ये इतनी ही परफॉर्मेंस देता है जितनी मैकबुक प्रो दे रहा है, जो कि बहुत कंपेयरेबल है मैकबुक प्रो से। कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपके ये जो है ये M1 एयर है, ये एयर मॉडल नहीं लगता। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है, बहुत फास्ट है, और बैटरी तो आप पूछें ही ना। और ये सारी परफॉर्मेंस सिर्फ एक जनरेशन के गैप की वजह से। अगर आप इसमें macOS की बात करें तो इसमें पहले बिग सर आ रहा था, अब जो है इसमें वेंचुरा आ रहा है। इससे पहले जितने भी लैपटॉप थे उन सब में जो है इंटेल के प्रोसेसर यूज़ हो रहे थे, तो ये वाला जो है M1 स्पेसिफिक जो है ये एप्पल ने अपनी चिप लगाई है इसके अंदर, और ये समझे कि एप्पल ने इंटेल की अब छुट्टी करा दी है। अब जो है जितने भी लैपटॉप्स इसके फर्दर आए हैं वो सारे जो हैं एप्पल की अपनी चिप्स के साथ आए हैं। बाकी लैपटॉप से इसे जो अलग करता है वो है इसका ARM आर्किटेक्चर, क्योंकि जो कि मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता था अब जो है मैकबुक एयर में आया है। ये ARM आर्किटेक्चर जो है ये सारे मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता है, चाहे वो एंड्रॉयड डिवाइसेस हों चाहे वो आईफोन डिवाइसेस हों। और इसी वजह से जो है मैकबुक M1 एयर जो है ये iOS और iPad वगैरह सारी एप्लीकेशन जो है इकट्ठी चला सकता है। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप देखें तो कोई अगर डेवलपर जो है वो iPad के लिए एप्लीकेशन बनाता है और तो वो आप अपने लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत हेल्प हो जाती है। जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी है कि जो इंटेल बेस्ड ऐप्स होती हैं वो जो है आप अपने लैपटॉप पे नहीं चला सकते डायरेक्टली, वो आपको थ्रू एमुलेटर चलानी पड़ेंगी, तो हो सकता है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दें वो जितनी वो ऑप्टिमाइज्ड ऐप पे दे रहे हैं। लेकिन एप्पल की जो नेटिव एप्लीकेशन है जैसे सफारी हो गया
ये फाइनल कट वगैरह हो गया, ये एप्पल ने पहले ही अपडेट कर दी थी कि इस पर ये चल सकें, ताकि तो साथ साथ डेवलपर्स जो हैं वो भी एप्स को अपडेट करते जा रहे हैं ताकि वो इस पर कंपेटेबल हो सकें, इस पर चल सकें। अब ये नहीं है इसके अंदर कि आपको कुछ ऐप चलेंगी नहीं, कोई आप ऐप चला नहीं सकेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर कमी मिलेगी, वो उससे नहीं है कि ये आप बिल्कुल ही नहीं चला सकते, लेकिन iOS ऐप्स जो हैं वो आप काफ़ी सारी चला सकते हैं। तो आप ये समझे कि ये एप्पल ने जो है एक आईफोन बनाया, उसे जो है लैपटॉप में लगा दिया, तो इसे आप समझे कि एक बहुत बड़ा आईफोन बन गया, लैपटॉप की शेप में एक आईफोन बन गया है, आईफोन वाली परफॉर्मेंस ये आपको बिल्कुल देगा। चलिए पहले हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन देख लें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलिए इसकी स्पेसिफिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रोसेसर टाइप इसकी आ जाती है M1 चिप आ जाती है, जो कि एप्पल की अपनी है। प्रोसेसर स्पीड देख लें हम तो 8 कोर CPU विद 4 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स। इसमें 8 कोर का प्रोसेसर मिल जाता है जिसमें 4 परफॉर्मेंस के होते हैं और 4 जो है एफिशिएंसी के। 7 कोर GPU मिल जाएगा, 16 कोर न्यूरल इंजन मिल जाएगा। रैम इसमें आपको 8GB भी मिलती है, 16GB भी मिलती है। हार्ड ड्राइव की बात करें तो इसमें SSD आती है, आपकी मर्जी अगर आप 256GB वाली SSD लेना चाहें या फिर आप 2TB पे कर सकते हैं। ग्राफिक मेमोरी की बात करें तो वो अभी भी इंटेल की तरफ से ही है, और ग्राफिक प्रोसेसर जो है वो भी इंटेल का ही है। स्क्रीन की बात करें तो 13.3 इंच की रेटिना डिस्प्ले विद ट्रू टोन एंड IPS टेक्नोलॉजी के साथ है, जिसकी रेजोल्यूशन है 2560x1600। 227 पिक्सल्स पर इंच आपको मिल जाते हैं इसकी स्क्रीन में। 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस करती है ये, वाइट कलर रेंज है और ट्रू टोन टेक्नोलॉजी है इसमें। कलर इसका आपको जो है डार्क ग्रे में मिलता है, सिल्वर में भी मिलता है, इसमें आपको टच ID भी मिल जाती है। अगर हम इसके कीबोर्ड की बात करें तो ये बैकलेट कीबोर्ड आता है जैसे कि सारी मैकबुक्स में आता है। इसमें आपको जो है स्क्रीन नहीं मिलती ऊपर, इसमें आपको जो है 12 जो है फंक्शन बटन्स मिलते हैं। उसके साथ ही जो है आपको यहाँ पे राइट साइड पे कोने पे जो है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। वाईफाई की बात करें तो इसमें जो है वाईफाई 6 आता है 802.11ax के साथ। खैर पोर्ट्स की बात करें तो सिर्फ 2 इसमें थंडरबोल्ट पोर्ट्स आती हैं, जो कि बहुत कम हैं एक लैपटॉप के हवाले से, लेकिन वो काफ़ी स्पीड वाली भी आ जाती हैं। HDMI पोर्ट आपको इसमें नहीं मिलती, दूसरा MagSafe इसमें आता नहीं है। जैसे कि मैंने पोर्ट्स का बताया, एक आपको थंडरबोल्ट और एक USB 4 मिल जाती है आपको फास्ट डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। बैटरी टाइमिंग की बात करें अप टू 18 घंटे तक इसकी बैटरी चलेगी। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें अभी जो है वेंचुरा अपडेट हुआ है। मोस्ट ऑफ टाइम ये अपनी एप्स के साथ जो है, मतलब इसकी ऑप्टिमाइज्ड एप्स जो हैं उसके साथ तो इतना ये गर्म नहीं होता, लेकिन एक्सटर्नल एप्स जो हैं उन पे परफॉर्मेंस थोड़ी लैग करता है, तो उस वजह से ये काफ़ी हॉट हो जाता है, काफ़ी गर्म हो जाता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको मैकबुक कैसी लगी, क्या आप इसे ख़रीदेंगे, क्या आपके लिए ये एक बेहतरीन चीज़ साबित हो सकती है। वीडियो कैसी लगी इस बारे में मुझे ज़रूर बताएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएगा। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।